सॉरी। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डिंपल एंड आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग 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 डे। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस मिल्क के साथ कैसे क्या, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि मिल्क हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और कुछ लोगों को ये बात पता नहीं है कि मिल्क हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन केयर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या अगर आपकी स्किन हो गई है डल ड्राई प्लस आपकी स्किन से ग्लो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो आपको ज़रूरत है इस मिल्क की। या मिल्क आपके फेस को देगा इंस्टेंट ग्लो, आपके फेस को बनाएगा ब्राइटेंड, प्लस आपके फेस से टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। महीने में एक बार फेशियल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। फेशियल का नंबर वन स्टेप होता है क्लेंजर। तो क्लेंजर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क एंड 1 टेबलस्पून रोज वाटर। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड इसमें एक कॉटन डिप करके रख दीजिए। गाइस, रॉ मिल्क एंड रोज वाटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रॉ मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो कि हेल्प करता है रेडनेस एंड पिगमेंटेशन को रिमूव करने में, साथ में ये आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्स को लाइट भी करता है। रोज वाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी स्किन का ग्लो बरकरार रखने में मदद करती हैं। ये क्लेंजर मैं ना रोज़ यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन पर ग्लो बरकरार रहे। आप भी ये रोज़ यूज़ करिए एंड ट्रस्ट मी, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गाइज, फेशियल का नंबर सेकंड स्टेप होता है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून मिल्क। मिल्क थोड़ा सा गुनगुना हो यानी कि ल्यूकवॉर्म हो, ध्यान रखें। गाइस, बेकिंग सोडा एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। एक्सफोलिएटर यानी कि स्क्रब। या बेकिंग सोडा मदद करता है आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने में, उसका एसिड कंटेंट रिड्यूस करके। अगर आप बेकिंग सोडा से अच्छे से स्क्रब करेंगे ना, तो आपकी स्किन पे जितने भी डेड सेल्स हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं सब रिमूव हो जाएंगी। बेकिंग सोडा एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आपको आपके फेस पे को मिलेगा इसे करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट एंड सपल ग्लो। नेक्स्ट स्टेप होता है फेस मसाज। फेस मसाज करने के लिए हमें चाहिए मलाई और क्रीम। इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए। अगर आपने मलाई से अपने फेस की मसाज नहीं करी है तो गाइस, आई हाईली रिकमेंड इट, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बना देगा, प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मलाई हमारी स्किन के लिए। इसे आप अच्छे से मसाज करिए एंड देन इसे मसाज करने के बाद नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर लीजिए। द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून बेसन एंड 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क एंड आधा लाइम जूस। आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ा थिक ही रखना है अपने फेस पैक को, ज़्यादा रनी आपको फेस पैक नहीं बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेसन हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बेसन हमारे फेस से एक्ने, पिंपल, मार्क्स जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हमारे फेस पे एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लो प्रोवाइड करता है। यस, अगर आपने ये फेस पैक नहीं अभी तक ट्राई करा है तो आप ये फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। इस फेस पैक को लगाने के बाद आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसे आप हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिए और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जस्ट 20 मिनट्स में आपकी स्किन हो जाएगी ग्लोइंग। या सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो या बाय।